को समझाया, तू ऐसा मत कर, तू गलत रास्ते मत चल, तू इसका सदुपयोग कर, तेरा कल्याण होगा, तेरा नाम भी होगा और तेरा पुण्य भी होगा। सत्राजित को समझ में नहीं आया महाराज, और सत्राजित भगवान को ही महाराज सोचा कि ये भगवान की मेरे धन पर नजर है, ये तो ऐसा सोच रहे हैं। सत्राजित घर चला जाता है, इसका छोटा भाई उस मणि को कंठ में धारण करके वन में शिकार हेतु गया और शेर ने, सिंह ने इसके छोटे भाई का वध कर दिया, मणि छीन ली। उसी शेर का वध एक भालू महाराज जामन जी महाराज ने किया, विशाल काय जो भालू है उस मणि को छीन ली। अब यहां सत्राजित ने अवसर पाकर भगवान श्री कृष्ण की बातों का ध्यान में लाकर इसने सोचा, सत्राजित ने मेरे भाई का वध हो गया है और मेरे भाई से मणि छीन ली गई, हो ना हो इस कृष्ण ने मेरे भाई से मणि को छीना है और इस कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध किया है, इसकी नजर थी मेरे धन पे। और लोगों के प्रति, लोगों को संतजन कहते हैं, भगवान की बुराई करना शुरू कर दी। और जो द्वारिका की प्रजा थी उनसे कह रहे हैं, जो राजा है हमारा द्वारिकाधीश, अरे इसने तो हमारे भाई का वध कर दिया, मेरी मणि छीन ली, यहां तक तो ठीक है, पर जो प्रजा के लोग थे उन लोगों को भी विश्वास हो गया, हाँ हो सकता है इस कृष्ण ने ऐसा किया होगा। अच्छा विचार करो कैसे लोग शंका कर रहे हैं, जिन लोगों को भगवान ने अपना प्राण समझा। जैसे स्वर्ण महल में भगवान रहते थे ना, वैसे स्वर्ण महल में भगवान ने अपने यादवों को, अपने महाराज यदुवंश को, अपनी प्रजा को रखा था। कैसे महल में? अपना जैसा वैभव भगवान ने अपनी प्रजा को दिया था, फिर भी आज संतजन कह रहे हैं वही प्रजा भगवान से कह रही है, हाँ हो सकता है इन्होंने इनके भाई का वध किया होगा। और संतजन कहते हैं, एक समय बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को बुलाते, बलराम जी कहते हैं, अगर तुझे मणि चाहिए थी मुझे कह देता, हजारों मणि ला देता, पर तूने सत्राजित के भाई का वध क्यों किया? भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि दादा थारे भरोसे को नहीं मार पे, दुनिया मुझ पर शंका करे चलो ठीक चलेगा, पर अपना कोई कहे तो फिर बुरा लगता है। भगवान महल में गए, रुक्मणी मैया विराजमान है और रुक्मणी मैया बैठी है, रुक्मणी मैया कह रही है चरणों में बैठकर, प्रभु आपको मणि चाहिए थी तो मेरे पिता के घर से हजारों मणि ला देती, पर आपने जो किया वो अच्छा। अच्छा अब तो बुरा लगता है ना महाराज, जब कोई दूसरा कहेगा ना कि आप बुरे हो तब चल जाएगा वो ठीक है, पर जब अपना कहता है ना तब ज्यादा बुरा लगता है। आज रुक्मणी मैया के वचन को सुनकर भगवान कह रहे हैं अब तो हद हो रही है महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की प्रजा को लेकर उस जंगल में जाते हैं जहां महाराज सत्राजित के भाई का वध हुआ था। पहले देखा जहां भाई का वध हुआ स्थान पर मणि नहीं मिली, आगे बढ़ गए तो शेर का वध हुआ वहां भी ढूंढा तो मणि नहीं मिली, फिर आगे बढ़ गए तो विशाल पर्वत की कंदरा में भगवान ने प्रवेश किया। अपने द्वारिका वासियों से कहा कि अब दरवाजे पर रहना और 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। कितने दिन तक? अगर 12 दिन में मैं कंदरा से बाहर आ जाता हूं तो मैं आपके साथ चलूंगा, अगर 12 दिन तक मैं नहीं आया तो आप लोग द्वारिका चले जाना। अब यहां भगवान श्री कृष्ण कंदरा में प्रवेश करते हैं, एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही है, उस कन्या से भगवान ने मणि ले ली। विशाल काय भालू भगवान से युद्ध करने लगा और युद्ध होते होते एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, 10 दिन 12 दिन बीत गए, द्वारिकावासी पुनः द्वारिका आ गए और यहां भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते करते पूरे 27 दिन तक उस भालू के साथ युद्ध करते हैं। कितने दिन? और 27 दिन तक भगवान ने युद्ध किया तो 27वें दिन वो भालू चरणों में गिर जाता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है आप कोई साधारण जीव नहीं है, आप तो स्वयं मेरे प्राणनाथ, मेरे भगवान, मेरे गोविंद, मेरे रघुनाथ हो। भगवान कृष्ण का आप कौन है? प्रभु नाथ मैं आपको भूल जाऊं, मैं तो संसारी जीव हूं पर आप तो मेरे नाथ हैं, आप इस भक्त को भूल गए? मैं वही हूं जब आपका राम अवतार हुआ था तो जो जामवंत महाराज जो सेवा करी थी वही जामवंत मैं हूं। और जब भगवान ने कहा तो जामवंत जी महाराज पर भगवान कृष्ण ने कृपा की। जामवंत जी ने मन में इच्छा की कि प्रभु मुझे ये रूप तो दर्शन हुआ ही हुआ, मुझे तो राम रूप के दर्शन करने हैं। और जब जामवन जी ने प्रार्थना की तब भगवान कृपा करते हैं और कित मुरली कित चंद्रमा कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण पुनः महाराज राम रूप धारण करते हैं, पुनः कृष्ण रूप धारण किया। तब जामवन जी महाराज ने वो मणि भगवान को अर्पण की और जामवन जी महाराज की एक बेटी थी जिनका नाम था जामवती, जामवती मैया के साथ भगवान का ब्याह किया गया। तो दूसरी पटरानी कौन हुई भगवान की? जामवती, जो जामवंत जी ने भगवान को अर्पण की थी। सत्राजित के पास भगवान मणि लेकर पहुंचे, कहा कि भाई ये मणि हमारे पास नहीं थी, ये मणि तो जंगल में थी। सत्राजित को बड़ा बुरा लगा कि मैंने भगवान का अपमान किया, मैंने निंदा की,
देखो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। जो लोग औरों की बुराइयां करते ना वो लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। देखना आप जो लोग चुगली करते रहते ना उनके घर में जिम्मा का रोटी भी नहीं है, क्योंकि जो लोग औरों की निंदा करते ना वो सुखी रही लक्ष्मी टिकती नहीं है लोगों के पास। चाहते हो कि मेरे घर में लक्ष्मी रहे तो अभी किसी की बुराई मत करो। देखो सबको पता है कौन कैसा है, सब जानते हैं, पर जो लोग औरों की निंदा करते हैं तो लक्ष्मी जी उन लोगों का त्याग कर देती है, नारायण उन लोगों का त्याग कर देता है, इसलिए वो लोग हमेशा गरीब गरीब ही रहते हैं। अभी किसी की बुराई मत करो। चित्राजीत को बड़ा बुरा लगा कि मैंने परमात्मा की बुराई की।